हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में थ्योरम 2.2 कराऊंगी। दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम कि अगर हमारे को वी और डब्ल्यू दो वेक्टर स्पेस दे रखे हैं एंड टी इज़ फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आर टी जो होगा स्पैन ऑफ टी बीटा के बराबर होगा। इसका प्रूफ करते हैं और एक एग्जाम्पल करेंगे। देखो बेटा, मेरे पास है थ्योरम कि अगर v और w कोई दो वेक्टर स्पेसेस हैं और t हमारे को एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है v टू w, और मेरे पास डोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है ना, इसका एक बेसिस दिया हुआ है बीटा, ठीक है, और उस बेसिस के एलिमेंट है v1 v2 vn, राइट। तो मैं अगर इस t का रेंज स्पेस निकालूंगी ना rt, तो वो क्या होगा, स्पैन ऑफ t बीटा के बराबर होगा। अब इसमें बीटा में वैल्यू डाल दो जरा, बीटा की क्या है, v1 v2 vn, तो यानी कि टी ऑफ वी वन, टी ऑफ वी टू, टी ऑफ वी एन, इन सब के स्पैन के बराबर होगा। स्पैन का क्या मतलब होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब ये जो टी वी वन, टी वी टू, टी वी एन है ना, इन सबको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, यानी कि अल्फा वन टी वी वन, अल्फा टू टी वी टू प्लस अल्फा एन टी वी एन, इस टाइप का होगा आपका आर टी, ठीक है। तो अगर हमें, मान लीजिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है और हमें डोमेन का वेक्टर स्पेस मिल जाए, डोमेन वेक्टर स्पेस का हमें बेसिस मालूम है, तो हम उसका रेंज स्पेस कैसे निकालेंगे, स्पैन ऑफ टी बीटा करके निकाल सकते हैं, क्लियर। तो मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग दिस, आर टी इज कंटेन्ड इन स्पैन टी बीटा और स्पैन टी बीटा इज कंटेंड इन आर टी, में ये वाली चीज यूज करूंगी कि दो सेट्स कब बराबर होते हैं, व्हेन ईच ऑफ देम इज कंटेंड इन वन अनदर, ठीक है। तो पहले मैंने स्पैन टी बीटा का मीनिंग लिखा है, तो स्पैन टी बीटा का क्या मीनिंग हो गया ये देख लो जरा आप, यहाँ पे मैं आपको सिखा देती हूँ स्पैन टी बीटा। देखो, टी बीटा का मतलब टी ऑफ वी वन वी टू वी एन है, ठीक है। तो एक तरीके से टी वी वन, टी वी टू, टी वी एन, ये एलिमेंट्स बन गए टी बीटा के। इसका मुझे लेना है स्पैन। स्पैन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट। लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने बताया, जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेना हो उन सबको पहले स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और फिर इसे ऐड कर दो। तो ये है मेरा स्पैन टी बीटा का मीनिंग, ठीक है। स्पैन ऑफ टी बीटा इज इक्वल टू दिस, तो मैंने पहले तो यही लिख के दिखाया है कि स्पैन टी बीटा इज दिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए वन ए टू लिया, आप अल्फा इज पे ले सकते हैं। आपको शो करना है आर टी इज स्पैन ऑफ टी दिस, तो मैं शो करूंगी आर टी पहले इसके अंदर कंटेंड है स्पैन वाली टर्म के अंदर, और फिर स्पैन को शो कर दूंगी ये इसके अंदर कंटेंड है, एक एक करके इन दोनों को शो कर देंगे। तो देखिए, टी ऑफ वी आई टाइप एलिमेंट कहाँ होते हैं आर टी में, सबको आर टी की डेफिनेशन याद है। आर टी की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, इट इज द सेट ऑफ ऑल इमेजेस। तो आर टी के पास एलिमेंट होते हैं टी ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन। तो मैंने अब यहाँ ले लिया टी ऑफ वी आई, वेयर वी आई बिलोंग्स टू वी। क्यों लिया वी आई, क्योंकि वी आई किसका एलिमेंट था, बेसिस, और बेसिस क्या होता है, सबसेट। सबसेट ऑफ वी, तो वी आई तो एलिमेंट होगा ही होगा हर हाल में वी का, ठीक है ना, क्योंकि बेसिस के एलिमेंट है तो आए तो वी से ही है। तो मैंने टी वी आई ले लिया, तो टी वी आई किसका एलिमेंट है, आर टी का, और ए आई क्या है आपका, स्केलर। तो ए आई स्केलर है तो फील्ड का एलिमेंट है और आप सबको पता है कि आर टी जो है एक सबस्पेस होता है। सबस्पेस किसका होता है, डब्ल्यू का, मतलब कोडोमेन का। अगर ये सबस्पेस है तो ये अपने आप में वेक्टर स्पेस है, इट इज अ वेक्टर स्पेस इन इट सेल्फ। अगर ये वेक्टर स्पेस है तो ये एबिलियन ग्रुप बना रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसके पास स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी जरूर होगी। तो इसका मतलब ए आई इंटू टी वी आई करूंगी तो वो किसका एलिमेंट बनेगा, आर टी का बन जाएगा। फिर इस तरीके के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, देखो मैंने क्या किया कि टी वी वन एक एलिमेंट है आर टी का, और ए वन एक स्केलर है, ठीक है, और आर टी अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी बनाता है। तो ए वन इंटू टी वी वन किसका एलिमेंट हो जाएगा, आर टी का हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन इन द वेक्टर स्पेस, ठीक है। ऐसे ही ए टू टी वी टू किसका एलिमेंट हो जाएगा, वो भी आर टी का हो जाएगा। ऐसे करते करते ए एन टी वी एन किसके एलिमेंट हो जाएंगे, आर टी के। अब इन सबको ऐड कर दो, तो ये क्या बनाएंगे, ऐड होके ए वन टी वी वन, ए टू टी वी टू, डैश डैश ए एन टी वी एन, ये सारे किसके एलिमेंट हो जाएंगे, आर टी के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे,
क्योंकि आर टी सब स्पेस है, सब स्पेस है तो वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस है तो आर टी प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप। अगर एबिलियन ग्रुप है तो इसके पास क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है, ठीक है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गई, सिग्मा ए आई टी वी आई बिलोंग्स टू आर टी, ठीक है। और ये सिग्मा ए आई टी वी आई टर्म कहाँ थी, ये थी स्पैन ऑफ टी वी वन वी टू वी एन के बराबर, ठीक है ना। तो ये मेरा स्पैन वाली टर्म आर टी का एलिमेंट बन गई, तो दिस इज कंटेन्ड इन आर टी, ठीक है। एक साइड तो प्रूफ हो गई, नाउ आई हैव टू शो दैट आर टी इज कंटेन्ड इन दिस। तो इसे शो करने के लिए आप पहले हम एलिमेंट लेंगे आर टी का और शो कर देंगे कि वो किसका एलिमेंट है, स्पैन ऑफ टी वी वन वी टू वी एन का। तो हमने ले लिया आर टी का कोई भी एलिमेंट दैट इज एक्स, ठीक है। आपको पता है आर टी के एलिमेंट होते किस फॉर्म के है, टी एक्स टाइप होते हैं, यानी कि टी यू ले लिया मैंने सपोज, तो टी यू टाइप फॉर सम यू बिलोंग्स टू वी। कोई बच्चा डायरेक्ट भी ले लेता लेट टी यू बिलोंग्स टू आर टी तो भी ठीक था। अब बी क्या है, सॉरी बीटा क्या है, बीटा एक बेसिस है। अगर बेसिस है तो आपको पता है बेसिस की डेफिनेशन दो हो में दो कंडीशन होती है, क्या होती है, बीटा इज अ बेसिस ऑफ एनी वेक्टर स्पेस वी इफ बीटा इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और बीटा स्पैन्स वी, ठीक है। स्पैन्स वी मतलब वी इज इक्वल टू एल बीटा, एल मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन या स्पैन बीटा, ठीक है ना। मतलब ये बीटा जो है पूरा का पूरा वी स्पैन कर सकता है। तो हमने वही चीज यूज करी कि अगर बीटा बेसिस है वी का तो वी इक्वल टू स्पैन ऑफ बीटा आ गया, ठीक है। अब यू क्या था, एलिमेंट ऑफ वी, तो यू बिलोंग्स टू वी, वी इज इक्वल टू स्पैन बीटा, इट मीन्स दैट यू बिलोंग्स टू स्पैन बीटा। स्पैन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, इट मीन्स दैट यू कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बीटा, ठीक है ना। क्योंकि यू अगर स्पैन बीटा में है तो स्पैन मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, तो स्पैन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बीटा के बराबर है। बीटा के एलिमेंट है वी वन वी टू वी एन, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने अभी अभी सिखाया आपको किसके बराबर होता है, ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू प्लस ए एन वी एन। तो यू आ गया ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू इक्वल टू ए एन वी प्लस ए एन वी एन। अब इसके ऊपर टी ऑपरेट कर दीजिए, दोनों तरफ टी लगा दिया। अब टी लगाया तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कीजिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज क्लोज्ड अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो ए वन बाहर आ जाएगा टी वी वन अंदर, फिर ए टू बाहर टी वी टू अंदर, मतलब एडिशन की भी और उसकी दोनों की लगा दी मैंने इकट्ठी प्रॉपर्टी। आप सबको याद होगी मैंने ये प्रॉपर्टी करा रखी है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे लगाते हैं तो दिस इज इक्वल टू अल्फा ऑफ टी एक्स और बीटा ऑफ टी वाई, क्लियर। तो मैंने यही चीज यहां बना दी। अब ये क्या है, ए वन टी वी वन ए टू टी वी टू किसकी एक्सप्रेशन थी, स्पैन की, तो स्पैन ऑफ टी वी वन वी टू वी एन आ गया, ठीक है। और ये टी यू क्या था, एक्स था, तो एक्स बिलोंग्स टू दिस आ गया। तो हमारा एक्स था किसका ओरिजिनली एलिमेंट, आर टी का, तो आर टी का एलिमेंट अगर इसके अंदर चला गया तो ये आर टी इज कंटेन्ड इन दिस आ गया। तो स्टार और डबल स्टार दोनों जो हमने ऊपर प्रूफ किए, ए कंटेन्ड इन बी, बी कंटेन्ड इन ए टाइप जो चीज प्रूफ करी है उससे पता चला कि ये दोनों बराबर होंगे, क्लियर। तो सच एन इजी प्रूफ फॉर दैट। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 10, इसी के ऊपर बेस्ड है जो आपने अभी थ्योरम करी है, इसको देखिए। डिफाइन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम पी टू आर टू दिस, रिकॉल कीजिए व्हाट इज माय पी टू आर, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, टू मतलब डिग्री लेस देन इक्वल टू टू, एंड आर मीन्स रियल कोफिशेंट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू टू विद रियल कोफिशेंट्स, ठीक। कोडोमेन मेरा क्या है, एम इज मैट्रिक्स, टी टू बाई टू मीन्स सेट ऑफ ऑल टू बाई टू मैट्रिसेस विद आर, आर मतलब रियल एंट्रीज। तो मेरे पास ए बी सी डी टाइप मैट्रिक्स हो गया टू बाई टू ऑर्डर का, और ए बी सी डी सब रियल नंबर्स हैं, ठीक है। इसमें मैंने ये डिफाइन किया टी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इसलिए लिया क्योंकि पॉलिनोमियल था पी टू, ठीक है। वेयर, तो अब ये एफ एक्स बन गया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू टू विद रियल कोफिशिएंट्स। इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये मैट्रिक्स पे जा रहा है। आपको देनी है डायमेंशन आर टी, डायमेंशन को रिकॉल कीजिए, डायमेंशन की डेफिनेशन क्या होती है, डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। आर टी की डेफिनेशन, आर टी की डायमेंशन निकाल रही हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ आर टी, ठीक है। और आपको पता है कितने भी बेसिस तो कितने भी हो सकते हैं, बट सबके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो डायमेंशन ऑफ आर टी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस ऑफ आर टी, ठीक है। अब आपको इसका कोई बेसिस निकालना पड़ेगा आर टी का, आर टी का जो भी बेसिस निकलेगा उसकी नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लेना, दैट विल बी माई डायमेंशन, ठीक है। तो मैंने ऊपर वाली थ्योरम 2.2 यूज करूंगी इसके अंदर, कि मुझे तो आर टी पहले चाहिए होगा ना, आर टी मिलेगा तभी तो उसका बेसिस बनेगा। तो आर टी क्या है, मेरा स्पैन ऑफ टी बीटा के बराबर है क्योंकि मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिली हुई है, ठीक है। तो मेरे पास ऊपर वाली थ्योरम से पता चला कि आर टी इज इक्वल टू स्पैन ऑफ टी बीटा, वेयर बीटा इज द बेसिस ऑफ द डोमेन। अब डोमेन मेरा क्या है, डोमेन है मेरा पी टू आर,
अगर आपको याद हो तो मैंने इसका आपको बेसिस सिखा रखा है कि P2R है ना, तो पॉलिनोमियल्स अप टू 2 डिग्री, ठीक है, वो इसका बेसिस बनाएंगे। तो 1x और x2, ठीक है, P2R है तो इसके उसके अंदर बेसिस में 3 एलिमेंट होंगे, P3R है तो इसके बेसिस में फोर एलिमेंट्स होंगे। तो जो यहाँ पे लिखा होता है PNR, उस n की जगह पे n+1 एलिमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि 1 भी एक एलिमेंट होता है। तो 1x और x2, ठीक है, ये इसका बेसिस बन गया, ये तो आपको याद भी होने चाहिए। मान लीजिए P3R होता तो 1x x2 x³ बन जाता आपका बेसिस, ठीक है। तो इसका बीटा निकालूंगी, बीटा तो ये बन गया, टी बीटा निकालूंगी तो टी सबके ऊपर लगा दू तो T1 TX TX² बन गया, ठीक है। अब ये T1 क्या होगा, तो ये देखिए T1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, टी ऑफ एफ एक्स ये है, तो एफ एक्स की जगह 1 डाल दो, तो टी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, ये देखो, ये तो कहता है कि F1 और F2, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो वही रह जाएगा, यूं का यूं चेंज ही नहीं होगा। देखो एफ एक्स इक्वल टू 1 है ना, तो हमें चाहिए F1 निकालें F2, F1 मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1, F2 मींस वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 2, और मेरा पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो हर जगह पे 1 ही वैल्यू रह जाएगी, तो F1 भी 1 आ जाएगा, F2 भी 1 आ जाएगा, ठीक है, F0 भी 1 आएगा। इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया। अब मुझे निकालना है x का, टी ऑफ एक्स निकालना है ना, तो टी ऑफ एक्स है तो इस एफ एक्स की जगह पे जहां मेरी पेंसिल है इस एफ एक्स की जगह एक्स डाल दो, ठीक है। तो एक्स डाल दिया, तो यहां पर F1 का मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू 1, तो मेरा एफ एक्स था एक्स, तो एक्स की जगह 1 डाला तो F1 1 आ गया, एक्स की जगह 2 डाला तो F2 2 आ गया, एक्स की जगह 0 डाला तो F0 0 आ गया। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे डाल दी, इसको सॉल्व कर दिया तो आपके पास ये आ गया, ठीक है। फिर आपका है x² तो एफ एक्स है x², अब इसमें एक्स को 1 डालो तो 1² एक्स को 2 डालोगे तो 2² एक्स को 0 डालोगे तो 0², ठीक है। तो ये आ गया आपके पास TX², तो मेरे पास T1 TX TX² आ गया, तो इससे मुझे क्या मिल गया, टी बीटा मिल गया, ठीक है। तो RT क्या होता है, स्पैन ऑफ टी बीटा, तो स्पैन वर्ड को बाहर रखा, टी बीटा जो अभी अभी ऊपर निकले वो तीनों यहां लिख दिए। अब इनका स्पैन लेना है, जिसका भी स्पैन लेना है मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब जिसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है उन सबको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो मैंने पहले वाले मैट्रिक्स को अल्फा से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को बीटा से, तीसरे को गामा से, मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दिया। सॉल्व कर लेंगे सब बच्चे, सॉल्व करके मुझे यहां तक मिल गया, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो बीटा प्लस 3 गामा को मैंने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बचा, -1 0 0 अल्फा, सॉरी 0 यहां पर, और इधर अल्फा को बाहर निकाला तो 0 0 0 1, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। इट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, क्योंकि बीटा प्लस 3 गामा इज ऑल्सो सम स्केलर, स्केलर से मैंने इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, ये दोनों मैट्रिसेस का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैंने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। अब कोई बच्चा ये मत कहना कि मैडम यहीं से ले लेते लीनियर कॉम्बिनेशन, आप ये देखो इसके अंदर यहाँ पे ये जो -1 0 0 0 है और इधर -3, ये दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, तो स्केलर मल्टीपल है तो एट अ टाइम आपको इन दोनों में से एक ही लेना है, ठीक है ना, क्योंकि स्केलर स्केलर में ही चला जाएगा, तो इसलिए मेरे ये दोनों आ गए, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन इन दोनों का बन गया, ठीक। पर मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो बेसिस चाहिए था, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ RT। मेरे पास आ गया RT इक्वल टू स्पैन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, ठीक है ना, मेरे पास तो RT इन दोनों का स्पैन आया निकल कर, पर मुझे क्या बनाना था, मुझे तो बेसिस चाहिए। अब बेसिस बनाने के लिए मुझे लीनियरली इंडिपेंडेंट भी शो करना है, तो मैं इन दोनों को शो कर दूंगी कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए मुझे क्या करना होगा, आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन याद है अब फिर से कि नहीं है, देखो अगर एक्स एंड वाई, क्या हो गया पेन को, एक्स और वाई आपके पास दो एलिमेंट है, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है, तो इनका अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई को आप 0 डाल दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 डालिए, सॉल्व कीजिए, अगर दोनों स्केलर मेरे 0 निकल कर आ गए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इफ एनी ऑफ द टू स्केलर, एनी ऑफ द टू स्केलर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों ही नॉन जीरो आ जाए या कोई एक नॉन जीरो आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो मैंने वही काम किया, मैंने इन दोनों का ये लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, अल्फा ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स और बीटा ऑफ सेकंड मैट्रिक्स ये ले लिया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके मतलब इसको 0 0 डाला मैंने, सॉल्व करके मुझे अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इसको 0 0 0 डाला, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके मेरा अल्फा और बीटा 0 आ गया, दोनों स्केलर 0 आ गए तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
तो अगर ये दोनों के दोनों मैट्रिसेस लीनियरली इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं और स्पैन भी कर रहे हैं आरटी को, तो ये बन गए बेसिस। तो मुझे बेसिस मिल गया आरटी का। अब आरटी का बेसिस मिल गया तो इसके अंदर, बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इसकी डायमेंशन बन जाएगी। तो बेसिस के अंदर दो एलिमेंट निकल कर आए हैं ये दोनों मैट्रिसेस, तो डायमेंशन ऑफ आरटी क्या आ गई? 2 आ गए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यानी बेसिस ऑफ आरटी इज 2, राइट? सो गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में आपको दो नई टर्म सिखाऊंगी बेटा, नलिटी टी एंड रैंक टी। आज की क्लास में यहीं तक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।